गुरु जी, सरस्वती पूजन के दौरान बड़ा विशेष एक महत्व होता है कि उसमें भजन बड़े सुंदर गाए जाते हैं। बताया जाता है कि आपको उसको पूरा ज्ञान है, तो ऐसा कौन सा प्रचलन भजन है जिसको लेकर आम लोगों के प्रति सरस्वती माता के प्रति आस्था जागृति हो? देखिए, माता सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, ये तो है ही। हम लोग बड़ी प्यार से श्रद्धा पूर्वक उनको मनाते हैं भजन के द्वारा। तो भजन है, हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं, तू विद्या की देवी, हमको ज्ञान सिखाए हैं। हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं, तू विद्या देवी हो, सबके कल्याण कर्त्री हो, तेरे द्वार में आकर के हम शीश नवाए हैं। बोलो सरस्वती मैया की जय। जी, आप पूर्वांचल जन कल्याण समिति के प्रधान भी हैं और पिछले काफ़ी लगातार वर्षों से यहाँ पर बड़ी धूमधाम से पूर्वांचल की ओर से उत्सव मनाए जाते हैं, और इसी तरह बसंत पंचमी का उत्सव भी FCA के गोदाम में आपके तमाम समाज की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियाँ आरंभ कर दी गई हैं। तो क्या विशेष रहेगा 26 तारीख को बसंत पंचमी, उसमें क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये त्यौहार तो अनादि कालों से पूरे विश्व में ही मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर पूर्वांचल के लोग अपने गाँव में घर में मनाते रहते हैं, और जब लोग यहाँ आए तो यहाँ भी मनाते हैं। हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा कंठ में उनके सरस्वती विराजमान रहें और दिमाग में गणेश रहें, कि हमेशा अच्छा बोले और अच्छा चले और उनका अच्छा हो। आपको एक चीज़ बताएं जी, 26 तारीख को बसंत पंचमी का उत्सव है और हर वर्ष आप लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो इस वर्ष क्या ऐसा विशेष रहेगा? बताया जा रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या आपकी ओर से तैयारियाँ की जा रही हैं? ये बात तो सही है कि 26 जनवरी बसंत पर पीजिए, इसमें हम जितने मजदूर काम करें, जो हमारे स्टाफ है, मैनेजर साहब और स्टाफ है, सब मिलके जो हर साल भांति इस बार भी करते आ रहे, थोड़ी जोश खरोश इस बार थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कि हर जगह जो ना पलवल में भी हमारे जो पूर्वांचल के भाई है, चाहे वैसे भी है, जहाँ भी कॉलेज स्कूल है, हर स्कूल कॉलेज में वैसे भी जहाँ जो मनाना चाहता है वो मना रहे हैं, मगर हर जगह से थोड़ी जो है इस ये गोदाम की हमारी चर्चा ज़्यादा रहती है कि भंडारे से लेके सारे चीज़ में, इसमें सारे जो हमारी जो स्टाफ है।